हरिओम श्री राम हम बनते नाथ सभी। मैं मनोज श्रीवास्तव वानोरी की बहुभाषी केंद्र पुणे। बाबू ने इतने सारे अनुभव दिए, एक छोटा सा अनुभव मैं शेयर करता हूँ। 26 मई 2012 जिस दिन अनिरुद्ध प्रेम सागर का बहुत बड़ा प्रोग्राम डीवाई पाटिल स्टेडियम में होना था, उस वक्त मैं अकेला था। मेरी फैमिली समर वेकेशन में गांव गई थी। सुबह सुबह का समय था, पूरी रात नींद नहीं आई कि कल प्रोग्राम में जाना है। सुबह उठा, सोचा घर में सफाई करो। सफाई करने के बहाने थोड़ा बाहर निकला, बालकनी किचन से जो बालकनी है वो टेरेस फर्श के लेवल से 3 फीट नीचे थी, तो मैं बाहर निकल के मॉप वगैरह निकालता कि मॉप निकालो और सफाई करो। फिर एकदम से ऐसा हुआ कि जब मॉप में साफ करने लगा तो स्लाइडिंग डोर, 8 फीट की स्लाइडिंग डोर ऊंची सी ऑटोमेटिकली बंद हो गई। बंद हो गई तो मैं बालकनी के 3 फीट के टेरेस बालकनी में फंस गया। 8वें माले पे था मैं, और मैं सुबह के टाइम जाने की भी तैयारी, 7-8 बजे बस आने वाली है, और मैं उसके बाहर फंस गया। चाबी घर के अंदर, बाहर से लॉक, किसको बुलाओ सुबह 5 बजे। परेशान परेशान, अब क्या करो, गाड़ी छूट जाएगी, मैं दीवाई पाटिल पहुंचूंगा कैसे, सब लोग चले जाएंगे तो मैं क्या करूंगा, एकदम परेशान। फिर किसी किसी तरीके से मैं सोच रहा हूँ दरम स्लाइडिंग ओपन कर दो, नहीं हो पा रहा है, स्लाइडिंग निकाल के बाहर कर दो, नहीं हो पा रहा है। आधे घंटे 1 घंटे तक सिलसिला चलता रहा। फिर मैं मन में सोच रहा हूँ अब क्या करूँ, अगर कुछ मुझे जाना नहीं है तो मैं फंस गया। अब तो 10-11 बजे चाबी वाले को बुलाएगी, किसको बुलाऊंगा मैं, कैसे जाऊंगा, बहुत परेशान परेशान, पसीने छूट रहे थे मुझे। अब क्या करो, अब क्या करो, स्लाइडिंग को इधर से हाथ लगा रहा, स्लाइडिंग के रबड़ निकाल रहा, रबड़ निकालो, शीशा निकालो, कुछ भी नहीं कर पा रहा। एकदम करते करते मैं स्लाइडिंग को हाथ से ऊपर उसे उठाने लगा, उसके नीचे बैठा हो, और थोड़ी देर में क्या होता है कि पूरी ग्लास ऊपर से गिरती है नीचे। जब ग्लास नीचे गिरती है तो मुझे कहीं स्क्रैच नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता, क्रैक होता है। मैं उससे पार करके बाहर की तरफ अंदर की तरफ जाता हूँ, फिर शीशे को अलग अलग करके निकालता हूँ, साइड करता हूँ। मुझे उस समय कुछ समझा नहीं, मैं चलो ठीक है निकला, थोड़े से पैर में स्क्रैच आया पार करने के टाइम पर, समझ में नहीं आया। 2-3 दिन चला वहाँ पे, चादर ऐसे ब्लैक बेडशीट लटका दिया कि बाहर से कुछ धूल मिट्टी ना आवे। मैं चले गया वहाँ पे अनिरुद्ध प्रेम सागर के प्रोग्राम में। 2 दिन के बाद मुझे ऑफिस में छुट्टी थी, मैं सोचा शाम में चल के वो ग्लास चेंज करा के लो। ग्लास चेंज करने के लिए जब वो दुकान से बंदे को लेकर आया तो वो बोला ग्लास टूटा कैसे, अभी तक मेरे दिमाग में सब चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। और वो फर्श ड्राई बालकनी के मैं उधर ही बैठ के ग्लास निकाल रहा था, स्लाइडिंग खोल रहा था, वो पूछा ये हुआ कैसे। मैं उसको पूरी सीन बताई कि ऐसे ऐसे हुआ, बोला ऐसे ऐसे हुआ तो आप बच कैसे गए, ये तो अगर ग्लास ऊपर से टूट के गिरता तो आपके सर के अंदर जाता, सर के अंदर जाता तो आप ब्रेन डेड होते, इधर आपके बॉडी में जाता, आपके शरीर में जाता, किधर भी 6 IT TVM की ग्लास लगी हुई थी। जैसे उसने ये चीजें बताई मुझे महसूस हुआ मेरे रोंगटे खड़े हो गए, ये कैसे हुआ। फिर उस समय ध्यान में आया अम्बद ने बापू ये सब आपकी कृपा है, आपकी छाया है कि हम सब ऐसे आसानी से रह गए। हरिओम श्री राम हम बनते नाथ सब।